हांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लाखों रुपए का सामान भी बरामद किया गया है। चोर गिरोह के सदस्यों ने मोटरसाइकिल से लेकर पिकअप वाहन तक चुराए हैं। इस बात का खुलासा डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस वार्ता कर किया। हमने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, एक विकास उर्फ कालिया, एक मुकेश उर्फ दोला, एक पवन पुत्र संजय, इन्होंने यासी के रहने वाले हैं। इन्होंने दिनांक 1/8/2020 को एक मोटरसाइकिल छीना था बाबा पीर बाजार के पास से, और एक और लूट की थी, इन्होंने मोटरसाइकिल छीना था काली देवी मंदिर के पास से। उनके अलग अलग 2 केस रजिस्टर हुए थे, और 4/8/2020 को फिर उन तीनों को हांसी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इन्होंने काफ़ी वारदातें जो है कबूल की हैं, जिसमें इनके अलावा एक हांसी की ओर है, 2 इशार की हैं, 2 रोहतक की हैं। वांछित थे, ये भागने की प्राप्त में थे, और हमारे को मुखबरी हुई कि उस घटना को अंजाम देने वाले जो मोटरसाइकिल चलने थे बस स्टैंड पर है, तो हमारी पुलिस पार्टी ने रेड करके उनको पकड़ लिया। अभी रिमांड पे है, कल इनको टेस्ट करेंगे और ये सारी रिकवरी करेंगे। जो अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अपने लेके जाएंगे अपनी पूछताछ। बहरहाल पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान इनसे और भी वारदातों के बारे में पता लगाया जा सके। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ लूटपाट और चोरी के करीब 1 दर्जन मामले और भी चल रहे हैं, जो भिवानी, इशरावाल, तोशाम, पटौदी, लखनमाजरा, बरवाला, हिसार, हांसी और रोहतक में भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। सत्य खबर के लिए हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।